ये जो सोलर प्लांट है ये फोल्ड सोलर प्लांट है यहाँ पे, क्योंकि बिजली की दिक्कत है यहाँ पे, तो ये 4 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा। ये यहाँ पे 5 किलोवाट जो पंखे यहाँ पे चलते हैं भंडारे में, और यहाँ पे जो पूरा जो फ्रिज रखा हुआ है वो इसी से चलता है, और कुछ बैटरी रखे हैं यहाँ पे, रोटी बनाने वाली मशीन भी चलती है, रोटी बनाने वाली मशीन इसी से चलती है। तो ये पूरा फोल्डेबल 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा, तो इससे कोई दिक्कत इससे नहीं होगी। तो दिन में ही जो शाम की रोटी वो भी दिन में ही बना कर रख लेते हैं, तो उससे ये फायदा है कि दिन दिन में बढ़िया, और ये इस डायरेक्शन से है कि पूरा सूरज यहाँ से निकलता है और पूरा जब छिपता है तो वहाँ तक ये घूम जाता है। हाँ, घूम जाता है, इसी से घुमाने का अपना काम कर रहे हैं। और ये भूरी वालों के जो कार से वाले भूरी वाले उन्होंने ये करा, क्योंकि बिजली में दिक्कत कमजोर थी, बिजली जनरेटर चलाने पड़ते थे रोटी बनाने की मशीन के लिए, तो अब ये आ गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के और भी पैनल आएंगे, और अपना घर अपनी बिजली की जो योजनाएं हैं वो यहाँ पे साक्षात देखने को हमको मिल रही है। तो आओ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, अपना पंखा और वे सब यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे फ्रीजर इसी से चल रहे, रोटी पोड़े की मशीन इसी से चल रही, और पर रात को अपना बैटरी से चल जाता है। तो जैसे यहाँ गाजीपुर में सोलर पैनल लग रहे हैं, तो अन्य बॉर्डरों पे भी ऐसे ही लगेंगे? हाँ, ऐसे ही लग रहे हैं, अन्य बॉर्डरों पे भी ऐसे ही लग रहे हैं, और छप्पर यहाँ पे आप देखोगे तो ये छप्पर यहाँ पे बन रहे हैं, जो छप्पर बन रहे हैं कारीगर, ये कारीगर अपना बढ़ा रहे हैं। इसमें जाली के पैनल इसमें लगेंगे, जाली लगेगी, जो मच्छर जा रही है वो लगेगी, और ये यहाँ पे देखोगे तो ये पूर्ण आप काम करते हो, आप काम करते हो तो पूरा ये छप्पर लगने से गर्मी नहीं लगने की, और यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ये पूरा काम चल रहा है। इस पर जाली लग जाएगी, और ये ऊपर फूस का जो मकान है झोंपड़ी वो यहाँ पर बनेगी, और जो लोग यहाँ पर धरनों पर रहेंगे वे जिस हिसाब से तब के यहाँ से किसान जब अपने घरों को वापसी जाएगा तो कोई ऐसा कैसा नहीं जाएगा, वो तो बिल्कुल तब जाएगा। सरकार जितना अत्याचार करना चाहो अत्याचार करे, वो यहाँ से जाएगा, कई पीढ़ी याद रखेगा ये किसान जब अपने घरों को वापसी जाएगा, इनकी परीक्षा ना ले। ये तो 4 महीने हो गए इसको, और जब तक समाधान नहीं होगा तो जब तक किसान तो वापसी जाएगा नहीं। 3 कानून हैं, MSP पे कानून बनना है, और बहुत इश्यू हैं, तो अभी तो भारत सरकार बातचीत ही नहीं कर रही, जब बात कर लेगी समाधान हो जाएगा तो जब देखेंगे। हाँ सर, एक विधायक का मारपीट का मामला सामने आया है, इसका आपको क्या रिएक्शन है? देखो, मारपीट तो नहीं करनी चाहिए, उसमें हमारे लोग उससे हमने बात करी हुए तो नहीं थे, जो मारपीट और कपड़ा फाड़ने में नहीं थे, वे विरोध करने में तो थे, लेकिन कपड़ा फाड़ने में भी नहीं थे, वे तो इन्हीं के लोग थे कि किसान को बदनाम करा जाए, वो एक दो लोग उन्हीं उसी विचारधारा के थे। हमारे लोग तो विरोध तो करा, काले झंडे दिखाए, लेकिन जो कपड़े फाड़ने वाला जो है वो तो नहीं था, हमारे लोग नहीं कर सकते ये काम। सर, एक और इंडिया पाकिस्तान कॉरिडोर खुला है, तो उसमें नवजोत सिद्धू ने कहा है कि भारतीय किसान को इससे फायदा होगा। आप पता नहीं उसका कॉरिडोर खुल गया, वो तो व्यापार का कोई फायदा होगा, व्यापार का। नहीं, ये तो पहले भी खुल रहा है वहाँ पे, ने इस पे ट्वीट करके कहा है कि भारतीय किसान को इससे फायदा होगा। यहाँ से आता आना जाना रहता है, जो पाकिस्तान से बहुत सी चीजें यहाँ पर आती है, और जो नमक है एक किस्म से जो फास्ट में नमक यूज करते हैं वो पाकिस्तान से आता है, सिंधा नमक जिसको बोलते हैं, और यहाँ से व्यापार का आदान प्रदान तो रहता है, यहाँ से प्याज चला जाता है, कहीं वंश आता है, तो एक दूसरे देश से रहता तो है। सर, होली को लेकर क्या प्रोग्राम रहेगा सर आज का? आज होली जलाएंगे शाम के टाइम। शाम के टाइम? हाँ, शाम को जलाएंगे।